नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे शाही फोड़नी किचन में। आज हम बनाने वाले हैं व्रत स्पेशल। व्रत स्पेशल में हम बनाने वाले हैं व्रत में खाए जाने वाले पैटिस। बहुत ही टेस्टी पैटिस बन जाते हैं। आप पहले बनाकर इसे फ्रिज में रखिए, जब खाना हो तब आप इसे बना सकते हैं। आइए रेसिपी को शुरुआत कर दें। मिक्सी में डालिए थोड़ा सा नारियल। पहले हम इसका फिलिंग बनाते हैं। यहाँ पर मैंने डाला थोड़ा सा नारियल, अब डाला मैंने हरी मिर्च। अगर आप हरा धनिया खाते हो तो आप हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हो। कई लोग जीरा डालते हैं पर बच्चे जीरा मुंह में आते ही नहीं खाते, इसलिए मैंने जीरा नहीं डाला। इसको दरदरा पीसना है, बहुत बारीक पीसना नहीं है, दरदरा पीसना है। और मैंने यहाँ पे एक बाउल में इसे निकाल लिया। अगर आप हरा धनिया खाते हो, करी पत्ता खाते हो, तो आप थोड़ा सा हरा धनिया करी लीव्स इसमें डाल सकते हो। ये डाला मैंने किशमिश, ये डाला बारीक काजू कट करके। अब डाल रही हूँ मैं सेंधा नमक। व्रत में सेंधा नमक खाया जाता है। जो नमक आप खाते हो व्रत में, वो नमक आप इसमें डालिए। थोड़ा सा शक्कर मैंने डाला। अब इसमें डालते हैं आधा नींबू का रस। मैं यहाँ पे 5 ही आलू ली हूँ। 5 आलू के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये फिलिंग ज़्यादा हो गया तो आप फ्रिज में रख दीजिए, फिर बाद में आप बना सकते हो। यहाँ पर मैंने 5 आलू उबाल के लिए हैं। आलू को कद्दूकस कर लेना है। मैं सारे आलू कद्दूकस कर लेती हूँ। आलू को हाथ से या मैश नहीं करना है, आप इसे कद्दूकस कर लीजिए, क्योंकि इसके लम्स नहीं होने चाहिए। इसे हमें आटे के जैसे गूंदना है। ये मैंने साबूदाना पाउडर यहाँ पे लिया है, ये रेडीमेड साबूदाना पाउडर है। अगर आपके पास साबूदाना पाउडर नहीं है तो आप मिक्सी में साबूदाना निकाल के उसे छान के डाल सकते हो। इसकी जगह राजगिरे का आटा या भगर का आटा या सामा राइस का आटा भी आप डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने डाला थोड़ा सा सेंधा नमक। इसे अच्छे से मैं गूंद लेती हूँ। इसे अच्छे से गूंदना है, इसमें कोई लम्स या गांठे नहीं होने चाहिए। बहुत सॉफ्ट अच्छे से इसे गूंद लेते हैं। कई लोगों के श्रावण के व्रत अभी चालू हुए हैं, तो ये आपको व्रत में खाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बहुत उपयोगी है। और जब आप खाना चाहते हो तब आप इसे बना के खा सकते। यहाँ पे मैंने आलू और साबूदाना पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे साइड में रखते ही 1 प्लेट में लीजिए साबूदाने का पाउडर। हाथ में थोड़ा सा घी या तेल लगा लीजिए। भुने हुए आलू का एक बड़ा लोइया लीजिए। ये पैटिस है, इसमें फिलिंग भरना है तो ऊपर का जो परत होता है वो थोड़ा सा मोटा ही होना चाहिए, नहीं तो इसका फिलिंग बाहर आने के चांसेस होते हैं। इस तरह से आलू की एक कटोरी बना लीजिए और जो हमने नारियल का फिलिंग तैयार करके रखा है वो फिलिंग इसमें डाल दीजिए। 1-2 चम्मच नारियल का फिलिंग डालने के बाद इसका मुंह बंद कर दीजिए। कोई कोई इसे गोल शेप में, बॉल के शेप में बनाता है, पर ये पैटिस है तो मैंने इसे थोड़ा सा फ्लैट बनाया है। अब इसे साबूदाना पाउडर लगाना है। अच्छे से साबूदाना पाउडर इसे लगाइए। एक्स्ट्रा अगर लग जाता है तो वो निकाल दीजिए। इसे पाउडर लगा के एक थाली में रख दीजिए। इसी तरह से सारे बना दीजिए। मैं और एक आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये महाराष्ट्र में सातारा साइड में बहुत फेमस है। मैंने बीच में सातारा में खाया था तो इसलिए मुझे आइडिया आया कि अभी व्रत है और व्रत में हमें अलग अलग चीज़ें खाने में अच्छी लगती है, तो ये पैटिस मैंने खास आपके लिए बनाया है। आप इसे बच्चों के पार्टी में भी बना सकते हो। इसमें थोड़ी सी शक्कर अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ पे हरा धनिया और करी लीव्स नहीं खाते, इसलिए मैंने हरा धनिया और करी लीव्स नहीं डाला है। अगर आप व्रत में हरा धनिया और करी लीव्स खाते हैं तो बारीक कट के हरा धनिया और करी लीव्स इसमें डाल सकते हो। इसी तरह से मैं सारे बना कर लेती हूँ। ये देखिए मेरे सारे बना कर रेडी है। मैं इसे एक डब्बे में रख के फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब मुझे खाना है तब मैं इसे तल के दे देती हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं करना है। इसके साथ में एक चटनी खाई जाती है, वो चटनी हम बनाते हैं। एक मिक्सी का जार लीजिए, उसमें डालिए मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली है, छिलका उतार दिया है। इसमें डालिए हरी मिर्च। अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा जीरा इसमें डाल सकते हो। नमक शक्कर इसमें डालना है, थोड़ा सा दही इसमें डालना है। आप इसे दही के साथ भी खा सकते हो या तो आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हो। दही डाल के इसे पीस लेना है, बारीक अच्छे से इसे पीस लीजिए। ये देखिए हमारी चटनी रेडी है। इसे एक बर्तन में निकाल दीजिए और ऊपर से इसे तड़का देना है। मैंने यहाँ पे तड़का दिया है तेल और जीरा का। आप चाहिए तो आप घी का तड़का भी इसे लगा सकते हो। ये रेडी हो गई हमारी चटनी, इसे भी साइड में रख देते हैं। इस तरह से आप चटनी बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी चटनी लगती है। 3 घंटे के बाद मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल चिपकते नहीं है। जो हमने इसके ऊपर साबूदाना पाउडर का कोटिंग किया है वो बिल्कुल चिपकता नहीं है। तेल मेरा गर्म हुआ है,
तेल गरम होते ही थोड़े थोड़े अंतर में दो चार वड़े आप इसमें तेल में छोड़ दीजिए। पहले 30 सेकेंड इसको ऐसे ही रहने दीजिए। हल्का सा तलने के बाद इसे फिर आप एक चम्मच की सहायता से अंदर ढकेल दीजिए। इसको तलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसे मीडियम फ्लेम में ही तलना है, हाई फ्लेम में, लो फ्लेम में मत तलिए। एक आध मिनट होने के बाद इसे पलट दीजिए। इसी तरह से दो तीन बार उलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, क्रिस्पी हो जाता है। व्रत में हमें नई नई चीज़ें खाने का भी मन करता है। आप ये दो तीन भी खा लोगे तो पेट भर जाता है। रेडी हो गए व्रत के पैटिस। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक मैं आपको तोड़कर बताती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी हमारे व्रत के पैटिस रेडी है। मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।